जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? वो क्लियर होगी एकदम? प्रिपेयर रहिए, एग्जाम कभी हो सकते हैं। आज हम ऑर्गेनिक में बात करेंगे। एक नया चैप्टर है हमारे सामने, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके अंदर पढ़ने से पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं क्या। पहले है एरो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब एरो क्या होता है? एरो का मतलब होता है तीर, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर जो एरो है वो किस तरह से हम यूज में लेते हैं, कैसे हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो ले लेते हैं हम एरो नंबरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में देखेंगे। वैसे कहीं पे भी केमिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो अप्लाई कर सकते हो आप। एरो तीर संकेतन जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, तीर संकेतन। तीर सब जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमने महाभारत तो और रामायण ही देखी, बहुत लड़ाइयां देखी उसके अंदर। तीर तो सब जानते हैं कैसा होता है। अब हम हमारी बात कर लेते हैं तीर ही। लॉकडाउन के अंदर बोर हो गए घर के अंदर बैठे बैठे। मान लीजिए आप भाई बाइक लेके निकले, ऐसा मजा नहीं आ रहा। डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ये बाइक है, ये क्या है आपकी बाइक, और इस पे बैठे हो आप, बाइक चला रहे हो, इधर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। एक नोटिस बोर्ड आया, उस पर लिखा हुआ है क्या? ऐसा उस पर लिखा हुआ है 280 किलोमीटर। गोवा, और तीर बना रखा है ऐसा। अच्छी जगह जाएं, अगर जाएंगे तो कहाँ, वैसे परेशान हो गए। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे जा रहे हैं इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या गाड़ी घुमा लेंगे? जिस तरफ एरो है वहीं तो जाएंगे। तो जो एरो होता है, तीर का निशान, ये क्या है? जिस तरफ होता है ये है टेल और इसका हेड। इसका मतलब है कि कोई भी चीज इस डायरेक्शन में मूव करेगी। समझा गई चीज? चलो, तो ये तो था हमारा जनरल लाइफ, लाइफ के अंदर हमारा एरो कैसे हम यूज में लेते। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देख, केमिस्ट्री के अंदर जब भी एरो आएंगे तो दो तरह के एरो आएंगे, वैसे तो दो चार तरह के एरो हैं। ऐसे ये डार्क कर दिया, एक एरो ऐसे आएगा और एक आएगा ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्व्ड एरो। कर्व का मतलब है मुड़ा हुआ, ठीक है। और ये क्या है? हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो हो गया और ये हो गया, ठीक है। वक्र तीर हो गया आपके, मुड़ा हुआ जिसे अपन बोलते हैं, और वो क्या हो गया? हाफ हेडेड हो गया हमारा। चले हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, वक्र तीर। और ये कैसा हो गया? अर्ध तीर। ये हमने देख तो लिए कि कैसे कैसे है। इसमें इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको, दिख रहा है? बिल्कुल, ये तीर के अंदर हमने ये जो इसका हेड है वो पूरा बनाया है, जबकि इसके अंदर ये आधा है। इसका यूज क्या है? दिखने में तो बिल्कुल पता चल गया, अलग अलग है। यूज क्या है इसका? इसका मतलब है जब ऐसा तीर बना हुआ है, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी
इलेक्ट्रॉन युग का संचलन। ओके, अब ये चीज ध्यान रखेगा कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन युग लोन पेयर उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऐसे के अंदर। अगर ऐसा है रहो, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो रहा है। ओके, यहां पे पूरा था तो दो इलेक्ट्रॉन मूव हो, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल का मतलब तो पता है ना, हाँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन का संचलन। चलो ये देख लिया हमने, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा एरो नोटेशन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, तीर संकेतन कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा एरो हो सकता है, ऐसा एरो हो सकता है, इसको बोलते हैं कर्वड एरो, इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, जिसे बोलते हैं अर्ध तीर, और ये वक्र तीर हो गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देख तो लिए, अब इसका यूज कैसे होता है वो देखेंगे हम, इसको तो हटा देते हैं। यूज कैसे करना है आपको सिर्फ मैं पैसे दिखा दूं 2000 का नोट, ठीक है, और आपको बता दूं ऐसे ऐसे काम करते हो, दूं नहीं पता नहीं आएगा, जब तक देखेंगे नहीं एग्जांपल करके नहीं देखेंगे मजा नहीं आएगा। देखते एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया है, और मैंने क्या करा, और जैसे मैंने ये बनाया तो ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, जिससे ए बॉन्डेड है, बी बंद बना रखा है, दोनों जुड़ रखे हैं इस बंद से, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस पे चले जाए ए पे, तो देखो ये एरो कर्व्ड एरो घुमा हुआ वक्र तीर किस पे जा रहा है, यानी इस टेल का मतलब, इसकी पूछ का मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं ए पे। ऐसे भी हो सकता है, मान लो बोला हम तो बी पे सेंड करवाएंगे, बी पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएंगे, इसका भी मतलब ये तो क्या हो जाएगा, जा कहां से रहे हैं, यहां से ए के पास से, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव। चलो ये तो इसका एग्जांपल हो, इसका एग्जांपल देखते हैं कि हाफ एरो आएगा तब कैसे यूज में लेना है इसको, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देख ये एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी, मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दे, देखिए एरो जो है ना वो हाफ बना है ऐसा, आधा तीर, आधा सर, आधा तीर का मतलब नहीं तीर लिया तो उसको तोड़ दिया ये लो जी आधा, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि आगे जो नोक लगी होती है इसकी ये वाली, इसको हमने क्या करा आधा कर दिया, इसलिए हाफ एरो बोलते हैं इसको। इस हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, देखो यहां से यहां पे जा रहा है और यहां से यहां पे जा रहा है, समझ में आई। चल जब ऐसा होता है तब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। अब यहां पे तो बनेंगे आयन, देखिए आयन्स बन रहे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, आयन्स दो ही तरह के होते हैं, कौन कौन सा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये लीजिए। यहाँ पे क्या करा अपन ने, यहाँ पे जब हमने हाफ एरो रिप्रेजेंट किया तो क्या बन गया, ऐसे फ्री रेडिकल, क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन जब भी किसी भी ग्रुप पे, एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम्स पे ऐसी बिंदी आ जाए
टीका लगाते हैं ना जो अपन, जैसे वो आ जाए, इसका मतलब है एक बार ही हो, दो बार नहीं हो, एक सिंगल, तो उसे अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, और इनको बोलते हैं आयंस। चलें आगे। तो ये तो था एरो नोटेशन जो हमारे काम आता है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने में। दो एरो और भी काम आते हैं, कौन कौन से देखिए, इसको तो हटाते हैं। दो एरो और कौन कौन से काम आते हैं आप बताइए, कौन कौन से एरो जो हमने अभी तक देखे हैं और भी कहीं। बोलो ये बता, देखो इधर, लॉकडाउन में जाम तो नहीं हो गई, अभी इसको घिसते रहे ना, दीवार से मत घिस लेना, हाँ पढ़ाई करते रहे ना, इसे चलता रहे। देखो कैसे, कौन कौन से है, डेमो देना पड़ता है हर चीज का, पता नहीं क्या। इधर देखो ये है और मैंने क्या किया, ये कौन सा आयन बना दिया मैंने, फिनॉक्साइड आयन बनाया। कौन सा बनाया, फिनॉक्साइड आयन, और मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये लीजिए हो गया, ये एरो अभी देखा है मैंने, दिखाया आपको कर्वड एरो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। एक एरो ये भी आता है, ये रेजोनेंस में काम आता है, यानी ऐसा तीर इसके इधर भी मुंह है और इधर भी मुंह है, क्लियर, ये रेजोनेंस में काम आता है। यहाँ रेजोनेंस नहीं पढ़ रहे हम, मैं आपको सिर्फ एरो बता रहा हूं कि कहां और कैसे काम आता है, समझ में आ गई चीज, आगे चले। चलो तो ये जो चीज है वो हमारी थी, एक और एरो जो हम काम में लेते, एक एरो और कैसे, ऐसे सोचे कोई अलग टाइप का एरो सोची तो केमिस्ट्री में आज तक आपने कभी काम लिया हो। इधर देखो, हम तो जल्दी से गर्दन हिला देते हैं, मैं रिएक्शन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर, इसका मतलब है साम्य, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये आता है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रही है और रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो रही है, इसका मतलब अग्र अभिक्रिया भी हो रही है और पश्च्य अभिक्रिया भी हो रही है। समझ में आ गया कि क्या है, अगर पश्चिम अभिक्रिया दोनों होती है। चले आगे, तो ये एरो था जो हमने चार एरो देखे, मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं उनकी पिक्चर, कर्व एरो, वक्र तीर, हाफ हेडेड एरो, अर्ध तीर, रेजोनेंस में जो काम आता है और इक्विलिब्रियम में जो हमारे काम में आता है। समझ में आ गई, हो गया। अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक लेते हैं कुछ। पहला टॉपिक हमारा आज का ये था फर्स्ट टॉपिक, अब लेते हैं सेकंड टॉपिक। क्या लेंगे, अब लेंगे हम क्लीवेज, बॉन्ड फ्यूजन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, वेरी गुड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, बंध विदलन के प्रकार। या बंध विखंडन भी बोल सकते हैं। देखिए अभी जो चल रहा है वो बेसिक है केमिस्ट्री का, बिल्कुल चाहे आप कौन सी कोई सी भी क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आप ऑर्गेनिक भूल जाइए, आपको आएगी। वैसे भी भूल ही गए लॉकडाउन के अंदर, तो सब कुछ भूलना नहीं है।
टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन बंध विखंडन के प्रकार क्या कौन से हैं? तो देखिए दो तरह, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ भी नहीं। बनाने वाले ने क्या करा, बैठा हुआ किसी ने, उसके हाथ में कोई लकड़ी लग गई होगी, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है। मान लीजिए उसके हाथ में लकड़ी लग गई एक, उसने इसको तोड़ने की सोची, दो तीन लकड़ियां ऐसे मिल गई, ठाला बैठा होगा लॉकडाउन के अंदर बैठा होगा वो भी, उसने क्या करा लकड़ी ली और उसको तोड़ा। एक लकड़ी को उसने ऐसा तोड़ा कि जब टूटने के बाद में दो भाग मिले वो बराबर थे, लकड़ी ली लगाया जोर बराबर दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक तो उसने ऐसे तोड़ी लकड़ी, और उसने एक बार ऐसी तोड़ी लकड़ी जो लगा एक बड़ा पोर्शन हो गया और एक छोटा पोर्शन हो गया, यानी दो ही प्रकार से ही लकड़ी तोड़ी इसने, एक तो बराबर टुकड़ों में बांटा इसने और दूसरा बिल्कुल अलग अलग भागों में बांटा, यानी बराबर नहीं बांटा। तो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन भी दो ही तरह का होता है, कौन कौन सा देखिए। एक होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, होमो का मतलब है समांच, विखंडन, और यहां पे विश्वांश विखंडन। आपके मन में आ रहा होगा समांच विश्वांश, विश्वांश देखिए हिंदी के वर्ड में बड़ा 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 बहुत बड़ा लॉजिक है। विश्वांश, विश विश का मतलब जहर। मान लीजिए कि भाई साहब ये कोई भाई साहब है, इनके दो बच्चे हैं, देखिए बच्चे हैं तो छोटे साइज छोटे होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा बच्चे। इनकी जितनी भी दौलत थी उन्होंने दो भागों में बांट दी, एक इसको दे दिया किसको दे दिया। अगर ऐसे बांटेंगे समांश विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे अपनी दोली पूरी दौलत का पूरी प्रॉपर्टी का, कि इसको भी बराबर दे दिया इसको भी बराबर दे दिया, तो बताओ दोनों में मनमुटाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सी बात है, नहीं होगा। इसको इसको दे। सेकेंड पार्ट जो हमने देखा है कि भैया हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, विश्वांश विखंडन, अगर एक को ज्यादा और एक को कम दे दें तो क्या होगा? महाभारत होगी। बिल्कुल, एक के मन में दूसरे के लिए विष घुल जाएगा, इसलिए विश्वांश विखंडन। ये मजाक की बात है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी होता क्या है, समांश और विश्वांश विखंडन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। होमोलाइटिक समांश कि बॉन्ड जो ऐसे टूटे कि दो, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर भागों में अपने एटम्स पे चले जाएं। कैसे चले जाएं देखते हैं, कैसे चले जाएं। आई मान लीजिए ये ए और बी ले लेते हैं, ये समझ में आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, बड़ी चीजें छोटी चीजों से बनती हैं, समझ में आया। मकान बनाना होता है तो पहले नींव खोदते हैं नीचे की तरफ, बड़ा सीखना है तो छोटी चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। देखिए क्या करना, मैंने बोला समांश विखंडन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैंने आधा आधा बांट दिया। देखो ये दोनों किससे बंधे, इस बंध से। एक बंध को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, एक जे रहा एक जे रहा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कैसा विखंडन करूं, समांश होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है मेरे को, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक, इसे मैंने आधा तीर बनाया है, हाफ हेडेड एरो बनाया है, और इस पे भी हाफ हेडेड एरो बनाया है। तो देखिए जे आ गया और जे बन गया, क्या बन गया, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। इसका मतलब नहीं कि
फ्री का मतलब हमारे माइंड में एक आता है कि पैसा नहीं लगता, नहीं रे ये अलग है लाला, ये अलग है। ठीक है चले आगे। ठीक अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं क्या मतलब है, रटना नहीं है। हाँ रटोगे फिर भूल जाओगे। कैसे बोलते हैं रटते तो बोलते कैसे, जैसे आपकी गर्दन हिली ना ऐसे गया काम से, जैसे नहीं तो पेड़ पेड़ हिलाया उस पर जो लगे हुए होते पत्ते होते नीचे गिर जाते हैं, वैसे रटोगे तो जैसे ऐसे हिलाओगे, कभी बाइक पे जाएगा धक्का उचका लगेगा गिर जाएगा नॉलेज जो रटा हुआ है। समझो क्या समाज विखंडन होमोलैक्टिक क्लिवेज का मतलब यह है कि समान इस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, बराबर क्या कर दें बांट दें। इधर आए अगर इसमें बराबर बांटना है तो इसमें बराबर नहीं बांटेंगे। देखो मैंने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसके ऊपर डाल दिए, मेरे को ऐसा लगा कि इधर डाल देते हैं। आप बोलोगे नहीं 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 ऐसे नहीं, उस वाले को दो मजा नहीं आया, बच्चे को मजे भी चाहिए। देखो हम लोग को पता आधे तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं खोलेंगे नहीं, जो यहाँ तक आ गए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, झेल रहे हैं वेरी गुड। आई क्या करा विश्वास विखंडन, यानी हमने हेटेरोक्लिटिक बेस क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉनों इनको दोनों को एक ही तरफ शिफ्ट कर दिया, एक को कुछ भी नहीं दिया, तो जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां नेगेटिव, जहां से जा रहा है वहां पे पॉजिटिव। ये ऊपर वाला केस कब होगा, ऊपर वाले केस की बात कर रहे हैं हम, कि ऊपर वाला केस कब होगा जब ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी विद्युत ऋणता क्या बोला है, विद्युत ऋणता का मतलब है वो है कि कोई एटम उसकी पावर, कौन सी पावर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, अपनी तरफ खींचने की पावर, अपनी तरफ खींचने की पावर। अरे वो देखा है रस्सी वाला गेम देखा है कभी, वो भी नहीं देखा तो क्या देखा है भाई। देखो इसको हटाते हैं, यहां समझते हैं, ये एक आदमी ये भी एक आदमी, इन दोनों को दे रखी रस्सी, दोनों खींच रहे हैं समझा, ये फिनिश लाइन। अगर इसने इसको खींच अपनी तरफ ले आया तो ये जीत जाएगा, अगर ये इसको अपनी तरफ ले आया तो ये जीत जाएगा, तो इस रस्सी से जिसमें ज्यादा दम होगा वही तो जीतेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता भी एक ताकत ही एक तरह की पावर है किसी भी एटम का, कि जो बंद बंधे हुए हैं उसको अपनी तरफ खींचना हल्का सा हल्का सा, कैसा हल्का सा। इससे क्या होता है कि हम बोल देते हैं इसी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इस शक्ति को इस पावर को हमने एक नाम दे दिया क्या, बिल्कुल विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वेरी गुड अब आ गया वो समझे, हाँ अब आ गया वेरी गुड। जब ऐसा होता है तब आयन बनते हैं और यहाँ पे क्या बन रहा था फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल दोबारा बना देता हूँ, क्या बना रहा था भैया, जब इस तरह का बॉन्ड फ्यूजन होता है तब फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनता है, और जब इस तरह का बंद टन होता है तो क्या बनते हैं आयन बनते हैं। समझ में आ गया वेल तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे, मुक्त मूलक क्या होते हैं, रेडिकल और आयन क्या होते हैं, उनके बारे में समझ में आया। बिल्कुल इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, टाइम पे सोएं, कोरोना चल रहा है वही बचेगा जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। समझ में आया क्या है, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका ध्यान रखें, ये तब काम आएगा जब हम रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे ना तो कोई काम ही नहीं आना। समझ में आया, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।